हाथ मिला कुत्ता ना चाहते हो सारे मांजा धरती पे पाम रख ले मांजा ठीक हो तुम घर में भी देखते हो इनके ब्लॉग में देखते हो और कैसी बात बढ़िया बुआ जी ने कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं बोला था यार नमस्ते नमस्ते हाथ मिला ना मिला बता है अरे ऐसा मत करे ये अब हुई पक्की दोस्ती ऐसा हाथ मिलाना मैंने तुम्हारे देखा सिर्फ ये वाला आज क्या प्लान है आज प्लान कुछ भी ना यार आज सब चेंज रखे आज सब चेंज हाँ सब चेंज आज प्लान तुम मेरे साथ आना मेरे पास आना जरा भी ठीक है तुमसे एक तो सवाल जवाब करने हैं किस चीज के ब्लॉग वाले हाँ वो कर सकते फॉलोवर कितने बढ़ गए ना बताता कुछ वो लखन भैया की वजह से मेरे ना वो 800 फॉलोअर्स होने बने हाँ 800 फॉलोअर्स और अभी तो क्या कहे को फिर लखन और प्रमोट कराएगा मैंने तो करा हाँ मेरे तो नाम ही ना ले रहा ना सुनो सुनो आपके तो व्यू भी बढ़ रहे हैं देख लो क्या कहें उस वीडियो में बड़े ना बड़े इसके देख ले ऐसे बढ़े हैं अच्छा हाँ ये बताओ हाँ लोगों ने मैसेज करे तुम्हें मैसेज तो ना ही पर क्या कहे फॉलोअर्स बड़े 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 हाँ मैसेज आए होंगे तो लाओ रिक्वेस्ट में आए होंगे दिखाओ देखो मैं महीना दिखाऊंगा आपको अच्छा मैसेज ना कर दिखा लो भूल के दिखा जो कौन है जिन्हें कोई कैसे भूल सका है ये तो रे यार इतने सारे मैसेज तू तो मना कर रहा तुम्हारे सफेद बाल कैसे निकल रहे हैं हाँ यार हनुमान जी कसम खा हनुमान जी की हनुमान जी की कसम क्या कहते हैं मम्मी हनुमान जी को हनुमान हनुमान जी कही बाबू हनुमान ही तो कह रहा हूँ वो रिके चुके हाँ कैसे कही नो हाँ तो बाबू मैं वो हनुमान ही तो कह रहा हूँ आओ शाहिबा तुम मेरे पास को आओ जरा इन्हें मैं ले जा रहा हूँ शाहिबा आज तुम्हें लॉलीपॉप नहीं मिलेगी क्यों यार क्या है उम्र है तुम्हें लॉलीपॉप खाने की अरे मीठा खाने को तो मन करता ना मीठा चीनी खा लो ना ये लॉलीपॉप खाओगे इस टाइम तुम हाँ ये बिकी ना दही मुझे तुम घर के नए बच्चे हो क्या हो नए बच्चे अब घने घुंघराले बाल देख के समझा कि पाई के बुआ के दोनों के बाल से वो लेकिन बावजूद घुंघराले नहीं थे मम्मी अम्मा हाँ जी और विक्की के भी जिया पे गए विक्की के भी जिया पे ओके अच्छा एक मेरे एक और है मेरे बाल काले हैं हाँ ये कलर नहीं है नहीं खाने मेरी कसम नहीं कसम नहीं खाऊंगी हाँ। लेकिन काले वो नहीं लगाती मैं बेटा कुछ भी मेरे वो मम्मी वाले साइड है ना हाँ मेरे तो, वाइट नहीं है बाल बिल्कुल भी अच्छा एक भी नहीं है इनके जो अच्छा तुम्हारे भी है ठोस है बाल तो हाँ मेरे तो ऐसे हो जाते हैं कुत्ता ना चाहते हो दो तीन थोड़े बाल बढ़ाता ही हमारे बताओ पहले नानी के थे ऐसे फिर जिया के हो गए फिर मेरे और भाईचंद के हो गए अच्छा फिर विक्की के हो गए अब विक्की के बच्चे के हो जाएंगे या तेरे बच्चे के हो सके ऐसा भी होगा घूम रहे हाँ आगे जरूर किसी न किसी बच्चे के विक्की के आ सके नहीं ऐसा तो मैं देख के डर गया कि केले कितने सड़ गए अभी मम्मी ने बताया पहाड़ से लाई है वाले केले नीम करोली बाबा के जब गए थे वहां से लाए हो मैं सड़े हुए से नहीं लग रहे थे देखने में खुद लग रहे हैं लेकिन अच्छा। निकलते नहीं है सड़े हुए निकलते अच्छे हैं पर पहाड़ पे केले कब सूखने लगे पहाड़ पे तो उगते ही नहीं है केले पहाड़ी केले हैं छोटे छोटे हमारे यहाँ कब होते हैं ऐसे खोलने से देना एक खा के देखो पहाड़ी केला कैसा है ऑन हो गया अब खुद को देख के बोलती रहो अच्छा इसमें देख के बोलती रहो बस हेलो हेलो लखन हेलो गुड मॉर्निंग मैं मम्मी को व्लॉग करना सिखा रहा हूँ इसमें मैं व्लॉग करना सीख रही हूँ लखन मुझे सिखाएगा अब देखो मैं आप आधी स्क्रीन पर आ रही हूँ अपने को बीच में करो कैसे करोगी ऐसे? ये होगी ना बीच में ऐसे रखनी है बस आपको ठीक है इसमें देख के बोलना है बोलो कुछ हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा ठीक है ऐसे देख के बोलो देखो जैसी हो जाए बटन दबा दिया हाँ। कल फाइनली वो दिन है जब हम जाने वाले हैं रात क्योंकि रात की फ्लाइट है हमारी हम 15-20 दिन घर से बाहर रहेंगे भगवान जाने कैसे मन रहेगा लेकिन एक नया एक्सपीरियंस होगा अपने आप में इसीलिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है उस चीज की हम लोग आ गए हैं जीके मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग करनी है यही है क्या बस आप यहाँ पर थोड़ी शॉपिंग करनी है एंड और कुछ शॉप में आए हैं बाप क्या है भैया बाबू चूड़ी वाला यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं मैंने अपने लिए मेरे को चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है जैसे आपको पता है मैंने कांच की चूड़ियाँ ली हैं अपने लिए दो और मैं देख रही हूँ देखो कितने प्यारे प्यारे मैंने जब छोटी थी ना तो मम्मी ऐसे पहना करती थी चूड़ियाँ कांच की और अब वो मिलती नहीं है जो टोकरी में बेचा करते थे लोग है ना तो यहाँ पर मुझे वो दिखी है मुझे बचपन की याद आ गई इतनी सुंदर चूड़ियाँ मैंने ऐसी शॉप अभी तक नहीं देखी इंडिया में या दिल्ली में खैर मैं जैसे बहुत जगह घूमी ऐसे बोल रही हूँ लेकिन सबसे सुंदर शॉप हर एक एक चीज है इनके पास
एक से एक कलेक्शन है। मैं तो मतलब हैरान हो गई देख के। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी शादी में यहाँ पर क्यों नहीं आई। नहीं ये वाली नहीं, देखो मैंने ये वाली दो चूड़ियाँ ली हैं। कितने दर्जन है ये? ये पूरा दर्जन नीचे है, वो अलग भी है। मुझे ना एक हाथ में पूरे में पहनना अच्छा लगता है, और ऐसे कलर्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तानी ब्राइड्स बहुत पहनती हैं ऐसे, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखने। ठीक है गाइस, पता ही क्या है, मैंने छोटे को अपना फोन दे रखा था, ये बाहर था। मैंने कहा छोटे मेरा फोन का ध्यान रखियो, तो ना ये बाहर से सामान लेने गया ना गाड़ी से, तो इसको पता है फोन इसके पास है, मुझे तब भी फोन कर रहा है। तो मैंने भी फोन लगा, मैंने कहा तूने फोन किया था? कह रहा हाँ दीदी मुझे कुछ पूछना था। तो इसको पता है फोन इसके पास है तब भी फोन कर रहा है, कितना क्यूट है। सो हमारा जीके में काम खत्म हो चुका है। सबसे अच्छा पार्ट है हमारे काम में कि हम कुछ भी मतलब शॉपिंग भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, और मतलब हर चीज़ हो जाती है। तो हमने जीके से खूब सारी शॉपिंग कर ली। अब हम चले कहाँ चले? बेलर में पढ़ाई चल जाएगा। उठ गए। तो मैं अभी पास के मॉल से होकर आया हूँ, क्योंकि कल की जो पैकिंग हमें करनी है ना, उसके लिए शू बैग नहीं थे। शू बैग खरीदने गया था मैं और पुनीत, नीतू तो है ही नहीं, वो शूट पर गई हुई है। और अभी आप सबके लिए एक सरप्राइज है, अभी दिखाऊंगा क्या। भाई सुधीर बहुत परेशान है, ये मेरे से पीड़ा नहीं रो रहा अपनी, इसने पुनीत से भी कुछ कहा है। क्या कहा भाई जरा अभी सुनना। हाँ कि मेरी मम्मी कह रही थी कि तू ना अभी शादी मत कर। तो ये मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर, तो कहता है कि मम्मी कह रही कि कहीं तेरी अरेंज मैरिज कराएंगे। ले भाई फोन भी आ गया भाई, सुधीर की बीवी का फोन आ गया, और दहेज मिल जाएगा। हाँ के दहेज तो मिल जाएगा कम से कम, इसलिए इसकी मम्मी इसका अरेंज मैरिज कराना चाह रही थी। सारे मांजा धरती पे पांव रख ले मांजा, ये लव मैरिज मत कर। लव मैरिज में भाई पहले लेके कोई बात नहीं, अपने दिल की सुननी चाहिए, याद रखियो। अच्छा वो हम ढूंढ रहे, वो बाहर कुत्तों के साथ रखा है। अच्छा ये कैप मैं ढूंढ रहा था, ये कैप यहाँ रख, और कहाँ बाहर रख रखी है? क्यों भाई हवा खिलाने को? बाथरूम में जगह बनाई थी वो जूते। सुधीर याद रखियो, सुन किसमें देखो, जिसमें कुत्तों के खाने रखे हैं। तेरी भैंस किस दिन गांव में से खबर आ गई, भैंस खुल कर भग गई, तो समझ जियो मैं ही खोल के आया हूँ रात रात में जाके। सुनो और कैप अन्न टोप अन्न रख दे बाहर, काम बिगाड़ रहा हूँ मेरा ही। मैं अपने घर का गुस्सा मुंह पे क्यों उतार रहा है बता ही नहीं रहा, देख ले हंसे हंसे जा रहा हूँ, मान नहीं रहा। तो दोस्तों जो सरप्राइज मैं आपको देने वाला था वो खुद मेरे लिए सरप्राइज है। मेरे दोनों भाई आए मेरे से मिलने पहली बार आज। भाई बिल्कुल सीधा ही में ले लेके बिल्कुल लगाई ना मैंने तो। क्या और भैया ठीक हो आप? तो इतने दिन बाद इतनी बातचीत के बाद आज मिलन हो ही गया। मेरे को पता नहीं यही है, तुम्हारे पास नहीं आता बहुत बढ़िया। भाई दो ही चैनल चलते हैं घर में ना, मेरे तो घर में चलने लायक है हम ही। ये तो आप ब्लॉग देखता हूँ, इसके देखता हूँ पहले, इसके देखूंगा। इन्हें तो तुम घर में भी देखते हो, इनके ब्लॉग मत देखा करो, हमारी वीडियो देखा करो। मुझे आता है उसमें, तुम्हारे देखता हूँ। अरे मेरे को तो चली। देखो हमारे नाम बोल रही हूँ मस्तानी मस्तानी मस्तानी, बहुत एक्टिंग अच्छी कर रहा, बेकार बेकार। और कैसी बात, बढ़िया एकदम बढ़िया। भाई नेता तुम लोग की वजह ना मेरे को टिकटॉक के टाइम पे टॉन्ट पड़ देते हैं, मतलब मैं कुछ भी वीडियो बना रहा मेरे तो देखते क्योंकि टिकटॉक चलाते नहीं थे, ये पूछते यूट्यूब चला गया। अरे इसे दही तारी मम्मी जो बनाता है। अच्छा सुनो मैं आपके कर रहा हूं, इसीलिए नहीं देखी मैंने वीडियो। ये भी रास्ता बहुत गहरी को मम्मी वाली तो आई नहीं रही है, वो नहीं है वो कहीं मार गई है। हम सब स्टारबक्स में थे, हम भक्कर आ गए वहाँ से क्योंकि सैंडी वॉशरूम गया था। पहले तो पूनम दीदी ने आधा घंटा लगा दिया, फिर सैंडी भी, तो हमने बोला हम भगी जाते हैं वरना कोई और पहुंच जाएगा। कह रही है ये बताना जरूरी है पूनम दीदी ने आधा घंटा लगाया, तुमने सच में बहुत टाइम लगाया है। सैंडी क्या हुआ तेरे साथ? मैं तुम लोगों के लिए रुकता हूँ, मेरे लिए कोई नहीं रुका, मैं देखा खाली हो गया। हाथ धोकर आया नहीं है? धोकर आया यार, एक तो ही वॉशरूम जाते हैं, दो दो मिनट का काम होता है वहीं पर आधा घंटा। सच में पूरा तू कर क्या रही थी? नहीं आधा घंटा लग गया था, तो गुस्सा आने लगा मुझे, पहले मुझसे पहले कोई और था ना वहाँ पर चेयर पर। और यहाँ पर हम जब भी आते हैं हमें गूंजी जैसा फेस दिखता है, एकदम मासूम सा प्यारा सा। इतना सुंदर मौसम था सुबह, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, गर्मी इतनी हो गई पूछो मत। खैर आज हमारा लास्ट डे दिल्ली में, रोहित भी चला जाएगा है रोहित,
रोहित मुंबई जा रहा है पुणे, और तुषार कहाँ जा रहा है? तुषार गाजियाबाद। नहीं, तुषार जाएगा तुषार, देखो हम लोग ना सब ट्रिप पर जा रहे हैं, मैं और लखन तो जा रहे हैं, हमारे साथ साथ तुषार भी जा रहा है, रोहित भी जा रहा है, मगर अलग अलग जगह। सैंडी अपने अड्डे पर जाएगा और पूनम दीदी हमारे आने के बाद जाएगी गोवा मम्मी को लेकर, तो सब अपनी अपनी जगह जाने वाले हैं। मैंने रिवील कर दिया, इसका ब्लॉग मत देखना, हमारे ब्लॉग देखना, मजाक कर रहे हैं, सबके ब्लॉग देखो। अब हम चल रहे हैं घर वापस, और कैसे बैठ के जा रहे हैं आप देख सकते हो, ऐसे इसलिए बैठ के जा रहे हैं क्योंकि एक सीक्रेट है जो हम नहीं रिवील कर सकते, बट बहुत मज़ा आता है हम तीनों को ऐसे गपशप लड़ाते हुए। जा रहे हैं घर वापस क्योंकि अब मुझे पैकिंग करनी है जाकर, और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मुझे सैंडी भी मुझे कह रहा था कि बहन कुछ रहता है तो मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा। अब मैं इसको क्या बताऊँ कितनी चीज़ें रहती हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, तो मेरी पैकिंग देखेगा और फिर मुझे बताएगा। ओके भाई हो तो ऐसा। घर पर आ चुकी हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं विला जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खाती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि आइसक्रीम मॉर्निंग से मैंने नहीं खाई, एक दिन में 3-4 खाना कम कर दिया क्योंकि पिंपल्स निकल आए मेरे आइसक्रीम की वजह से, कुछ और नहीं होता, सिर्फ पिंपल निकल आता टच वुड, तो अभी खा के फिर मैं जाऊँगी। तो अब वो टाइम आ गया जिसका मुझे जब से बेसब्री से इंतजार था, अपनी दोनों नई नई वाली जो गाड़ियाँ वो चला के देखनी मुझे, मैं दोनों से एक महीने से कह रहा हूँ, ये बात अलग है, आए एक महीने बाद है। मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ भाई मुझे गाड़ी चाहिए, कह रहे कि मैं 15-16 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आके मुझे अपनी पुरानी गाड़ी चलानी है। पता एक मेरे पे अभी रेड कलर की डैटसन है, वो मैं एक्सचेंज करूंगा। अभी एक काम करूंगा, अभी ना आप घूम के आओ, फिर हम जाने वाले हैं, हम जाएंगे तो यहाँ पार्किंग में सेफ भाई, गैरेज की टेंशन मत लेना, गैरेज है यहाँ पे, ठीक है, खाली नहीं गाड़ी रहनी चाहिए। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आओ आओ। कि ये बुआ जी बहुत बड़े सुपरस्टार की बुआ जी है, इसलिए क्योंकि बुआ जी ने कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरे साथ तो कभी नहीं लेते हैं। मैं इसका लो। तो बस मैं इसका लो, इसकी तारीफ करो, तारीफ होकर पुल बांधो। इसने तारीफ का कोई काम नहीं किया अभी तक, और झूठी तारीफ हम करते हैं, जितनी भी चीजें सब बनी बनाई आई है। फोटो के लिए गेट पे खड़ी है, ये कहीं को जा नहीं रही है, कहीं निकल ना जाओ, अब तारीफ कर दे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले ये बात कह रहा हूं, हमने लिख ले रहा हूं आपके लिए। बहुत बढ़िया, ये है हमारी माता जी, प्रिय माता जी, जो वीडियो में भी माता जी बनती है, हमारी फेक वाली है, ये सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। देखो भैया देखो, नहीं नहीं, ये दिल से माता जी नहीं समझ रहा, सिर्फ वीडियो में बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी वीडियो में जो मम्मी बनती है वो फेक मम्मी बनती है, यहाँ जो लखन भैया मम्मी बनती है वो मम्मी भी है। नहीं नहीं, हमारी तो मम्मी है वो भाई, वो कह रहा मेरी वीडियो में जो बनती है मम्मी, वो तो मम्मी की जगह बहन बन जाती है, पर यहाँ जो है ये तो बिल्कुल रियल वाला सिस्टम है जी। देखो पर कितनी अच्छी मौसी दिया ना, मौसी बनती है, मैं गाँव गाँव की मौसी का करेक्टर दिया हुआ है। बढ़िया फैमिली फोटो क्लिक करते हुए ऐसा लग रहा है मस्तानी और नितिन भाई बाहर से आए हैं। मस्तानी गजब ढह रही है। भाई अब मैं अपना व्लॉग खुद ही बनाऊंगा। गाइस मैं आपको सच बताऊं, वैसे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी ड्रीम कार थी, बॉक्सर। बॉक्सर? हाँ। मैं बोलता था मेरी बॉक्सर, और पता यही कलर येलो। तो अब ये ड्रीम कार अब यहीं रहेगी भाई। थैंक यू यार। अच्छा उस टाइम ये उस टाइम 1 करोड़ की थी, फिर देखा तो 1.5 करोड़ होगी सीधा। अब 2.25 करोड़ की हो गई। 2.25 की हो गई, तो फिर मैंने ड्रॉप। आप चला के देखो ना, ये भाई मेरे ना पैर कांपेंगे अभी, मैं इसको दिन में चला लूंगा, अभी कुछ गलती से कुछ हो गया ना। आ जाओ भाई, फाइनली ये पता नहीं कितने लोगों की ड्रीम कार होगी, तो उन सब का ड्रीम मैं पूरा कर रहा हूँ। यार इसमें बैठते नहीं, इसमें लेटते हैं। इसमें बैठना ही एक टास्क है यार। वाह यार बिल्कुल अलग फील, आवाज आवाज। Thank you.
few moments later. भाई इस गाड़ी को ना हम आगे नहीं बढ़ाते, ये गाड़ी ऐसे जेट की तरह उड़ती है. मतलब वो इसने सबसे नॉर्मल मोड पे किया हुआ था और सिर्फ जब चला रहा है ना तो वो बिल्कुल उड़ने वाले फेज में थी. मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने भाई तुम मुझे बस घर छोड़ा. लेकिन भैया को स्पीड से डर लगता है मेरी तरह. मैंने समय पहले समझ गया था ये चीज, मैंने कैसे नहीं गलती की, मैंने पूछा भी नहीं होगा. और भाई पता है मतलब मेरे पास ओवर स्पीडिंग के चलान नहीं आते, बाकी सबके आते हैं. क्योंकि मैं स्पीड से ही डरता हूँ. और इसने जो भी मेरे को ट्रेलर दिखा, जैसे झूले होते हैं ना नुमाइश में, मुझे वो वाला फील आया कि मैं गोल बड़ी वाली चक्री पे घूम रहा हूँ. थैंक यू भाई, थैंक यू कि मैं दोबारा इसमें नहीं बैठू. उसको मंगाऊंगा, इसको नहीं मंगाऊंगा भाई कभी यार. नहीं वो सच में मतलब भर की है, वो चला सकते हैं यार इसमें ना. ये तो मैं ही जब अगर मुझसे कोई मनमानी हो तो इसमें बिठाओ, मैं हाँ कर दूंगा भाई, मुझे बाहर भेजो यार बस. चलो ठीक है भैया, ओके लव यू. वाह यार, ठीक है भाई, मिलते जल्दी यार. चलो टेक केयर. ठीक है भाई, मिलते बहुत जल्दी यार, टेक केयर. ओके ओके वीरे. अरे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे. आपको सच बताऊं, वैसे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी ड्रीम कार थी, पता है बॉक्सर. बॉक्सर मैं बोलता था मुझे बॉक्सर, और पता है यही कलर येलो. तो अब ये ड्रीम कार यही रहेगी भाई. थैंक यू यार. अच्छा उस टाइम ये, उस टाइम एक करोड़ की थी, फिर देखा तो डेढ़ करोड़ होगी सीधा. अब पौने दो की हो गई, तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था प्लान. तो मैं इन दोनों को लेकर आया अपने डेलकोट वाले घर. आ जा. हाँ रवि बोल रहा हूँ. अरे वाह, हाय हाय आंटी आंटी. इन्होंने इनडायरेक्टली ट्रोल कर दिया दोनों ने आते ही. हम लक्षण वाले देवर हैं. वाह वाह, आओ भाई आओ. नीतू इन भाई, नितिन भाई की कब से इच्छा थी. वहां थे क्या बोले, अगर भाभी चाय बना के लाएंगे तो पीऊंगा वरना नहीं. घर से पहले ही बोल दिया था व्लॉग में स्टार्टिंग में. लॉन्च का बैठ कर तू जा बेटे. वाह, अब मैं घर पर आ गया क्योंकि मम्मी का सोशल मीडिया का कुछ मुझे करनी थी. और आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा आप देख सकते हो डार्ट का सर. अब मैं घर में भी पहन के घूम रहा हूँ वही कपड़े. सब बस बेटा, वो ऊपर सूट पहनता था पर नीचे शॉर्ट्स. तू वैसा लग रहा है, तू बचपन में सबसे कम पिटा ना. तू ही सबसे कम पिटा, सबसे ज्यादा पिटा है कैमरामैन. एक्चुअली थोड़ा पागल है ये, कम पिटा है इसलिए थोड़ा पागल हो गया है. मजाक बनाता है पूरे टाइम, पूरे टाइम मजाक बनाता रहेगा दूसरों का. चुप रहा मैं कुछ काम करो, रुक जा, दोबारा सुताई हो जाएगी मेरी. तो गाइस अब हम पैकिंग में लगे हुए हैं. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा. बाय बाय.